बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 1 हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हम उसका सेक्शन डी करेंगे, चैप्टर 1 का जो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करना है। पहला न्यूमेरिकल है डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड N2O4 डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कहते हैं नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड यानी N2O4 जो है वो डिकम्पोज हो रही है और क्या बना रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। आपको KC फाइंड करना है। ऑल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ KC फॉर बैलेंस केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। और KC का यूनिट भी फाइंड करना है। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि केमिकल रिएक्शन जो है इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। N2O4 है और उससे NO2 बन रहा है, ये हमें गिवन है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। लेकिन यहाँ पे N के पास 2 है, यहाँ पे N के पास 1 है, तो हमें यहाँ पे N के पास 2 लगाना पड़ेगा। बाकी तो सेम है ना, कहीं पे भी चेंज नहीं करा है मैंने, सिर्फ N के पास यहाँ 2 ऐड कर दिया। अब आप देखें इसके पास भी N2 है, इसके पास भी N2 है, इसके पास O4 है और इसके पास देखें 2 2 4। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। हमेशा जब भी आप KC वाले क्वेश्चन करेंगे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब हम सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट में आएगा और फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में आएगा। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या आएगा, KF एंड N2O4 और ये ब्रैकेट, ठीक है। ये हमने जो है रिएक्टेंट लिख लिया है, पहले फॉरवर्ड में रिएक्टेंट आता है। इसके साथ जो है साइड में कोई नंबर ऑफ मोल या इसका मास जो है एक्टिव मास नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो 1 हम यहाँ पे शो करना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो हम यहाँ पे इसको पावर बना देते हैं, जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अब हम लिखते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का कॉन्स्टेंट KR और फिर हम ये लिखेंगे इसकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, NO2, जो इसके ये साइड में होते हैं ये हम इसके साथ नहीं लिखते, ये हम पावर बना देते हैं। देखिए इसके साइड में नंबर ऑफ मोल 2 है, 2 को कोशेंट यानी पावर बना दिया, ठीक है। NO2 और ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम जो है KC निकालेंगे। KC जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारी कितनी है, ये है और ये रिएक्टेंट है। तो हम प्रोडक्ट पहले ऊपर लिख लेते हैं, NO2 स्पेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और रिएक्टेंट हमारा कितना है, N2O4, ठीक है। ये हमने लिख लिया, बस ये हमारा KC निकल गया। अगर हमें इसकी वैल्यूज़ दी हुई थी हम सब्स्टिट्यूट करके फिर निकाल सकते थे। अब हमें इसका यूनिट निकालना है। देखिए यूनिट जो होता है ना, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे मोल डॉट लीटर माइनस, या तो लीटर में भी होता है और लीटर में नहीं होता तो दूसरी तरह कैसे होता है, मोल डॉट DM-3। तो हम आगे क्वेश्चन में तो DM-3 करेंगे। DM-3 का मतलब यही है कि 1 लीटर, ठीक है। लीटर को जब DM में लिखते हैं तो वो -3 पावर बन जाती है, और लीटर में लिखते हैं तो -1 पावर आती है, ठीक है। हम इसको मोल डॉट पर, मोल पर लीटर है असल में, इसको यूँ देखें ये ऐसे है, मोल पर लीटर, पर लीटर है, L को ऊपर लिया तो L-1, ठीक है। और ये मोल पर DM-3 है, यानी मोल डॉट DM-3, सही, ये समझ में आ गया। तो हम इसमें मोल पर लीटर में करेंगे इसको। मैं इसी को दोबारा उतार ले रही, चलें NO2 स्क्वायर है और नीचे क्या है N2O4, ठीक है। ये है ना, अब इसकी हमें यूनिट लिखनी है। तो NO2 जो है इसके साथ हम क्या यूनिट आएगा, मोल डॉट लीटर माइनस, सही है। और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। बस उसकी जगह पे हमने उसकी यूनिट लिख दी। इसी तरह N2O4 की जगह पे भी आ जाएगा मोल डॉट लीटर -1। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई पावर नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ पावर नहीं आएगी। अब ये देखें दोनों सेम है, लेकिन इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर जो है 1 है। तो हम इसको ऊपर ले जाते, मोल डॉट L-1 ऐसे ही लिखा, ये ब्रैकेट भी बना दिया हमने। ये जो 2 है इसका पहले से है, और इसके पास जो 1 था ये ऊपर जाके -1 हो गया। तो हमारे पास आ जाएगी KC की मोल डॉट लीटर -1, क्योंकि 2 में से 1 निकाला तो 1 ही आया हमारे पास। तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, मोल डॉट लीटर -1, ठीक है। ये हमारी यूनिट ड्राइव हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है PCl5 PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तीन चीज़ें इक्विलिब्रियम पे एट 500 K, और इसका टेम्परेचर इन्होंने हमें केल्विन में गिवन करा है जो है 500 K।
इन अ क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में तो आपको पता है क्लोज कंटेनर में तो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम भी आएगा, एंड देयर कॉन्सेंट्रेशंस आर, अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमें 0.8 × 10⁻³, ये ए पहले वाले की है PCl5 की, PCl3 की हमें गिवन है 1.2 × 10⁻³ मोल Dm-3, और Cl2 की हमें गिवन है 1.2 × 10⁻³ मोल Dm-3। देखिए सबके साथ Dm-3 सेम है, बाकी तो सबकी जो है डिफरेंट है, इसकी 0.8 है, इसकी 1.2 है, इसकी 1.2, इन दोनों की सेम है। ये रिएक्टेंट होगा और इससे ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलॉन्ग विद यूनिट, आपको Kc भी फाइंड करना है और यूनिट भी फाइंड करना है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में करना था। सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, हमें हमेशा इसको स्टार्ट करना है इक्वेशन से। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, PCl5 और रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास बन रही हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम इसका बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस है या नहीं है। देखें ये P है, यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे कितना है 3 और 2 5, तो ये बैलेंस तो है, इसमें बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं, तो हमें PCl5 कितना गिवन है, हम लिख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कितनी है, PCl5 की 0.8 × 10⁻³ मोल डॉट Dm-3। ठीक है, ये इसकी है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 की लिख लेते हैं, PCl3 और Cl2 की हमें सेम गिवन है, कितनी है 1.2 × 10⁻³ मोल डॉट Dm-3। फिर हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 क्लोरीन की लिख लेते हैं, तो ये भी वही सेम है, 1.2 × 10⁻³ मोल डॉट Dm-3। क्वेश्चन देखने में जितने मुश्किल हैं करने में मुश्किल नहीं है, असल ये अगर आपने इक्वेशन सही बनाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अब हम निकालते हैं Kc, आपको पता है Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, हमें Kc ही तो फाइंड करना है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, Kc का Kc लिखते हैं, प्रोडक्ट की जगह पे आप लिखें, इस पर प्रोडक्ट कौन सी आप बताएंगे, ये है ना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे हम। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऊपर हम, PCl3। ठीक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और Cl2, दोनों प्रोडक्ट हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी। हम Kc में ये सब कुछ पढ़ के आए हैं कि हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिपीट करने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने सब एक्सप्लेन किया कि Kc में किस तरह मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है। अच्छा, नीचे हमने रिएक्टेंट लिखना है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, PCl5, तो हम नीचे लिख देते हैं PCl5। अब इनके साथ किसी के साथ कोई पावर नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि इनके साथ के है ही नहीं कोई भी, आप देखें नंबर ऑफ मोल है ही नहीं, सबके साथ 1 है, तो इसलिए कोई 1 तो शो करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ तक कर लिया, अब इसमें जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना कॉन्सेंट्रेशन की, वो हम इनकी जगह पे पुट कर देंगे बस। ठीक, Kc में PCl3 की क्या थी हमारे पास, 1.2 × 10⁻³, और इनके साथ साथ हम पूरा पूरा लिखेंगे मोल डॉट Dm-3। ठीक है, ये बहुत लाजमी चीज़ है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। Cl2 की भी हमारे पास कितनी थी, 1.2 × 10⁻³ मोल डॉट Dm-3, ये साथ साथ हम लिख देंगे सब में। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे PCl5 के हमारे पास है 0.8 × 10⁻³ मोल डॉट Dm-3। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब जो है आप इसको सिंप्लीफाई करें, अब Kc लिखेंगे और इन 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 1.44। ठीक है, और ये जो है 10⁻³ को 10⁻³ बेस सेम है, बेस को एक बार लिख लेंगे और -3 में -3 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, 10 बेस सेम है ना, बेस लिख लिया और इनकी, चलिए मैं एक स्टेप और कर लेती हूँ, ऐसे कर लें, सही है, दोनों की पावर एक साथ लिख लें, और ये जो मोल डॉट Dm-3 इसका था ये लिख दिया, और जो इसका था वो भी अलग से लिख दिया। ठीक है, ये मैंने इजी करने के लिए किया, आप देखिएगा इंशाल्लाह इससे आपको इजी लगेगा। इसकी भी ये मैंने यूनिट लिख दी, इसकी भी यूनिट लिख दी, और इनकी जो 10⁻³ मैंने उनको एक साथ कंबाइन करके लिख दिया, बेस सेम था। इसी तरह यहाँ पे 0.8 है,
इसका तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर वावर कुछ भी नहीं है, तो हम लिख लेते हैं 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 मोल डॉट dm माइनस 3, ठीक है, ये ऐसे ही आएगा। अब 1.44 से आप 0.8 को डिवाइड कर दीजिए, जब हम डिवाइड करेंगे उससे हमारे पास आंसर आएगा 1.8, ठीक है 1.8। और ये जो 10 की पावर माइनस 3 थी, माइनस 3 और माइनस 3 कितनी हो गई, माइनस 6, और ये जो माइनस 3 थी ये ऊपर चली गई, ये जाके हो गई प्लस 3, ठीक, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। देखें ये इसको इससे डिवाइड करा 1.8 आ गया, 10 की पावर माइनस 3 में माइनस 3 प्लस करा प्लस माइनस 6 हो गया वो लिखी, और ये जो 10 की पावर माइनस 3 इसको ऊपर ले गए तो ये प्लस 3 हो गया। इसके अलावा आप ये देखें कि ये जो इसकी एक मोल dm माइनस 3 थी, ये एक इससे सेम की सेम थी, एक कट गई, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, सिर्फ एक बच गया मोल dm माइनस 3। देखें अलग अलग लिखने का कितना फ़ायदा हुआ, लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ, ये ऐसे ही काट दिया। ये हमारा जो है आई थिंक आंसर कंप्लीट हो गया, यस ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक स्टेप और करेंगे, इनकी पावर को कंप्लीट करेंगे, 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 6, इसे आप जो है प्लस 3 माइनस कर दें, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 3 मोल डॉट डी एम माइनस 3। आप चाहते ना तो इसको यहीं रखते तो इनकी इस तरह इसको काट सकते थे, लेकिन ये भी इजी तरीका है। ये हमारा सॉल्व हो गया, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन इज 1 × 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, के सी की वैल्यू गिवन है, इसके अंदर के सी की वैल्यू क्या है, 1 × 10 की पावर माइनस 4, और इन्होंने इक्वेशन दिए 2HI यानी दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स हैं और रिएक्ट करते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है का एक मोल बनता है और आयोडीन का एक मोल बनता है। एट द गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर गिवन है इसके अंदर, इसमें कोई गिवन नहीं है, मतलब एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, मिक्सचर की जो है कॉन्सेंट्रेशन कितनी है HI इसकी, रिएक्टेंट की कितनी है 2 × 10 की पावर माइनस 5 मोल dm माइनस 3, और हाइड्रोजन की कितनी है 1 × यानी H2 की 1 × 10 की पावर माइनस 5, और आयोडीन की कितनी है 1 × 10 की पावर माइनस 5 मोल dm माइनस 3। सबके साथ dm माइनस 3 सबके साथ है। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, हमें प्रिडिक्ट करनी है रिएक्शन की डायरेक्शन। देखने में बहुत मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यानी हमें डायरेक्शन हम कैसे मालूम करते हैं, हमें QC से मालूम करते हैं, हम पहले QC फाइंड कर लेंगे और फिर हम आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या, हमें KC गिवन है 1 × 10 की पावर माइनस 4। देखिए हम हमें डायरेक्शन के फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम पहले निकालेंगे QC और फिर QC और KC में कंपेयर करके देखेंगे, फिर हम बता देंगे कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, KC तो गिवन ही है, इसको कुछ नहीं करना। ये इक्वेशन को चेक करते हैं, ये बैलेंस है, तो हाइड्रोजन दो है, आयोडीन दो है, इसके पास भी हाइड्रोजन दो है, आयोडीन दो है, बैलेंस है। अब इसका पहले डेटा लगते हैं, HI की कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी गिवन थी, 2 × 10 की पावर माइनस 5 मोल डॉट dm माइनस 3, और I2 की कितनी है 1 × 10 की पावर माइनस 5 मोल डॉट dm माइनस 3, और हाइड्रोजन की कितनी है वो भी 1 × 10 की पावर माइनस 5 मोल डॉट dm माइनस 3। अब हमने QC का फॉर्मूला लिखा, QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब आप कहेंगे KC में भी यही फॉर्मूला लिखा था, QC में भी लिखा था, तो QC और KC में सिर्फ फ़र्क ये होता है तो ये भी रेशो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, और KC भी रेशो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, लेकिन QC जो होता है किसी मखसूस टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम निकालते हैं रेशो तो वो कहलाता है QC, और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में निकालते हैं यही रेशो तो वो कहलाता है KC। ठीक है, ये मैं वैसे लेक्चर में समझा चुकी थी, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप उसके प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये सब कुछ। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी वैल्यू, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है H2 और I2। ठीक है, यही है ना हमारा प्रोडक्ट, ये तो हमारा रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट लिख लेंगे हम, H2 मल्टीप्लाई बाय I2, सही है, और इनके साथ कोई भी वो नहीं है, मैस नहीं है इनका गिवन, कोई मैस नहीं है, वन है सिर्फ, तो वन ही आ गया ना, वन तो शो करना ज़रूरी नहीं है। नीचे हम लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, HI, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड है, लेकिन इसके साथ जो है एक दो जो है टू जो है मोल्स हैं, तो मोल्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, या इसको हम कहते हैं मोल्स या फिर एक्टिव मैस, एक्टिव मैस जो है क्वेश्चन वन के ऊपर आ जाता है, तो पावर बन गया ये जो साइड में टू था ये ऊपर आ गया, इनके साइड में वन थे तो वन ऊपर आ गए, वो उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है।
अब इनकी जो जो वैल्यूज गिवन है इनको सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाइड्रोजन की कितनी है, 1 × 10⁻¹⁵ मोल डॉट DM-3, ठीक है। और आयोडीन की कितनी है, वो भी सेम ही है हमारे पास, 1 × 10⁵ मोल डॉट DM-3। अब हम नीचे लिखते हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट, नीचे रिएक्टेंट कितना है हमारे पास, HI 2 × 10⁵ मोल डॉट DM-3, ठीक है। और इसके साथ जो है यहाँ पे स्क्वायर का भी 2 भी है, ये पावर इसकी 2 भी लिखेंगे हम। ये हमने कर लिया, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 10⁻¹⁵ और 10⁻¹⁵ में 10 को एक बार लिख के -5 और -5 को प्लस कर लिया, कितना हो गया -10। और मोल डॉट DM-3 ये वाला उतार लिया, और ये वाला भी उतार लेते हैं, मोल डॉट DM-3, ठीक है, ये उतार लिया। स्क्वायर करके भी लिख सकते थे, शायद ये स्क्वायर से ज़्यादा बेटर होता, लेकिन अभी आगे करके देखती हूँ क्या होता है। अब नीचे हमारे पास जो है, देखिए 2 के ऊपर ये जो है ना 2, इसके साथ स्क्वायर है, तो 2 × 2 से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 4, ठीक। और 10⁻¹⁵ है, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 हो जाएगी, ठीक। ये जब भी ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो वो पावर से मल्टीप्लाई होती है ना हमेशा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, -10 आ गया। अब मोल डॉट DM-3 भी 2 टाइम है यहाँ पर, देखें मोल डॉट DM-3 ये भी स्क्वायर है, तो आप इसको स्क्वायर की शक्ल में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे करती हूँ। अब ये देखिए आप 10⁻¹⁵ सेम है, इसको ऊपर नीचे काट दीजिए, 1 को 4 से डिवाइड कर दें, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25 आ गया। अब इसको ज़रा मोल DM-3 को आप ऐसे करके लिखें, देखें वैसे इसी स्टेप पे भी कर सकते थे, ये 2 टाइम है तो मैंने इसको स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और नीचे भी अभी हमारे पास यही मौजूद है ना, ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, आप इसको यहाँ पर स्क्वायर ही कर दीजिएगा, वरना आप ऐसे काट लेंगे, देखें ये हो गया हमारे पास QC के आंसर आ गया 0.25, उसके साथ कोई यूनिट नहीं आया, ठीक है, क्योंकि सब कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट नहीं आया। QC की वैल्यू क्या आ गई, 0.25। KC की वैल्यू क्या थी, 1 × 10⁻⁴। 10⁻⁴ का मतलब है, देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ, KC हमारे पास कितना है, 1 × 10⁻⁴, इसको ज़रा उसमें कन्वर्ट करें तो पीछे लेके जाएंगे ना, 0.123 और ये आ गया 4 टाइम, तो ये बनेगा इसका, अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो ये बनती है 0.001, कितना छोटा सा है, और ये कितना है 0.25, कौन सा छोटा है इसमें, कंपेयर करें, QC की वैल्यू 0.25 है, KC की वैल्यू 0.001 है, कौन सा छोटा है, यही छोटा है ना जिसमें 0.000 आ रहा है, तो इसमें KC जो है हमारे पास छोटा है, तो हम लिखेंगे QC इज ग्रेटर देन KC, है ना, QC बड़ा है हमारे पास KC से, तो QC की वैल्यू हमारे पास है 0.25 और KC की वैल्यू है हमारे पास 1 × 10⁻¹⁵। ये मैंने आपको आपकी आसानी के लिए कन्वर्ट करके दिखाया, आप ऐसे ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 × 10⁻⁴ हमारी छोटी है और QC बड़ा है, जब QC KC से बड़ा होता है, हमेशा जब भी QC की वैल्यू KC से बड़ी आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। एज द वैल्यू, अब आंसर असल में इसका ये है, एज द वैल्यू ऑफ KC या यूँ लिख लें QC इज ग्रेटर, है ना, ग्रेटर है ना, देन KC, सो द रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इज इन रिवर्स डायरेक्शन, सो इट इज़ अ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, सो इट इज़ अ रिवर्स रिएक्शन। इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं वैल्यू, बस यहीं तक कर दें, बस ये काफ़ी है डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया, तीनों के तीनों सवाल हो गए, मैं अब आपको एग्जांपल्स भी करवा दूँगी इंशाल्लाह ताला।